आज आपको बताऊंगा, थोड़ा ब्रीफिंग दूंगा 3D प्रिंटिंग होती क्या है, फिर उसको मशीन को एक्सप्लेन करूंगा कि 3D प्रिंटिंग कैसे होती है। ये सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बनाया है वीडियो, तो आपसे देखें और समझें कि 3D प्रिंटिंग क्या होती है। जैसे 2D प्रिंटिंग करते हैं हम फ्लैट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मतलब पेपर के ऊपर 2D प्रिंटिंग होती है, तो वो सिर्फ दो डायमेंशन में होती है, एक्स और वाई। 3D प्रिंटिंग तीनों डायरेक्शन में होती है, जी में भी होती है, एक्स वाई में भी होती है, और रियल ऑब्जेक्ट बनता है। बस इतना ही लॉजिक है इसका 3D प्रिंटिंग का, इसीलिए इसे 3D प्रिंटिंग कहते हैं। टोटल 9 तरह की 3D प्रिंटिंग डेवलप हो चुकी है दुनिया में, लेकिन जो 3D प्रिंटिंग का टाइप इस वीडियो में मतलब मेरे चैनल पर जो डिस्कस करेंगे वो है FDM, फ्यूज्ड डिपोजिशन मशीनिंग या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं इसे। ज़्यादातर यही इंडिविजुअल्स जब करते हैं तो यही इसी टाइप की 3D प्रिंटिंग करते हैं, तो इसी 3D प्रिंटिंग के बारे में मैं इस चैनल में सिखाऊंगा। और क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, बाकी 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, वो हम और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगी होती है, इसलिए ज़्यादातर कोई करता नहीं है। तो पहले आपको थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ 3D प्रिंटिंग होती क्या है। ये एक रफ डायग्राम बनाया है मैंने 3D प्रिंटिंग मशीन का, इसमें एक्सिस में बता देता हूँ कौन कौन से एक्सिस होते हैं और पार्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट जो सब में कॉमन होते हैं। ये जी डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, और ये वाई डायरेक्शन। जी डायरेक्शन इसलिए यहाँ पे बनाया है क्योंकि ये हाइट है, ये नोजल, इस पार्ट को नोजल कहते हैं। जहाँ पे भी मशीन का टूल होता है उसके ही एक्सिस को जी डायरेक्शन हमेशा माना जाता है, तो इसमें टूल तो है नहीं, नोजल है टूल की जगह पे, तो इसी के डायरेक्शन को हम जी डायरेक्शन मानते हैं। ये स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में, हर जगह यही माना जाता है। एक्स डायरेक्शन ये है इस साइड, और वाई डायरेक्शन ऐसे है इस साइड। जब बेड, ये मशीन बेड है, इसको बेड कहते हैं, इसके ऊपर ही लेयर बाय लेयर 3D प्रिंटिंग होती है। पहले एक्स और जी एक्सिस में नोजल मूव करता है, और उसमें जीरो जीरो लेवल से बनाना शुरू करता है, एक लेयर बनाता है, फिर जी हाइट थोड़ी सी ऊपर उठती है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बनाता है, फिर जी हाइट थोड़ी और ऊपर उठती है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे करते करते लेयर वाइज 3D प्रिंटिंग पूरा रियल ऑब्जेक्ट प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है उसका। तो ये मशीन बेड है, और यहाँ पे एक पार्ट लगा होता है, इसे एक्सट्रूडर कहते हैं। एक्सट्रूडर का काम क्या है, ये फिलामेंट है, प्लास्टिक फिलामेंट, यही रॉ मटेरियल है 3D प्रिंटिंग के लिए। यही प्लास्टिक फिलामेंट आगे जाके या एक्सट्रूडर इसको यहाँ से फेंकता है, एक तरह से पुश करता है, और यहाँ से पाइप के थ्रू होते होते यहाँ नोजल में जाता है। नोजल में मेल्ट होता है ये फिलामेंट और डिफ्यूज होता है एक छोटे से पतले से होल से, और फिर जैसे नोजल, जैसे जैसे नोजल मूव करता है वैसे वैसे उसी ज्योमेट्री में मटेरियल भी चिपकता जाता है बेड पे। ठीक है, इसीलिए इसे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। टीवो कंपनी की मशीन है, टेरेंटोला उसका मॉडल है, 3 साल पुराना मशीन है मेरा। उस टाइम पे क्रिएल्टी वगैरह कोई इंडिया में बेचता नहीं था, एक ही सेलर था और एक ही मॉडल दे रहा था, तो मुझे ये लेना पड़ा था। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ उस मशीन को, क्योंकि काफ़ी थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन सीखने के लिए उस टाइम के लिए मेरे लिए काफ़ी था। ठीक है, तो इसमें मैं बताता हूँ कौन सा एक्सरसाइज जो मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा मशीन के ऊपर। ये इसका यहाँ पे कंट्रोल पैनल रखा हुआ है, जिसमें स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें सारे चीज़ें आप रीडिंग कमांड्स देख सकते हैं, और यहाँ से सिलेक्ट करके प्रिंट भी कर सकते हैं। ये मशीन बेड है, इस एरिया को मशीन बेड कहते हैं, ये इसका नोजल है। ठीक है, और ये पाइप है जिससे ये एक पार्ट एक्सट्रूडर है, और ये फिलामेंट है, ये रेड कलर का जो वायर दिख रहा है ये फिलामेंट है, ये बेसिकली एक प्लास्टिक वायर है जो कि यहाँ आके इसी के थ्रू ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो ये जी एक्सिस है ना, क्योंकि नोजल के अलोंग है, तो ये जी एक्सिस है इसका। ये एक्स एक्सिस है जिस पे ये मूव करता है, ये नोजल ऐसे ऐसे मूव करता है, मूव करके दिखाता हूँ, और ये वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस पे बेड मूव करता है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक्सिस मूव करके। तो अभी ये बेसिकली सेंटर पे है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये जहाँ मूव हो रहा है अभी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, नोजल पूरी असेंबली मूव होती है। ठीक है, और ये इसका वाई एक्सिस है, इसमें बेड मूव हो रहा है अभी। ठीक है,
और ये जी एक्सिस है अभी जो चल रहा था। हाँ एक मिनट रुकिए, ये वाई एक्सिस है, फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये वाई एक्सिस है जिसमें बेड मूव कर रहा है, और ये जी एक्सिस है जिसमें ये पूरी असेंबली, पूरा ये असेंबली यहाँ से यहाँ तक जिस पे ये नोजल माउंटेड, ये पूरा अप जाएगा, ठीक है। तो ये जी एक्सिस है, ठीक है, ऊपर चलता जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में पूरे अच्छा सा 3D प्रिंट करके दिखाऊंगा आपको, तो एक्सप्लेन करूंगा और बाकी चीज़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं अपने डिज़ाइंस भी दिखाऊंगा बहुत सारे, सॉरी, मैं बहुत सारे अपने डिज़ाइंस भी दिखाऊंगा और दूसरों लोगों के डिज़ाइंस भी दिखाऊंगा जो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही वर्सटाइल टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत सारी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हैं, लगभग कुछ भी बना सकते हैं। कुछ प्रिंट्स मैं दिखा दूँ आपको अपने जो मैंने प्रिंट किए हैं, जैसे कि ये इतने बड़ा प्रिंट भी इसमें हो जाता है, ये इम्पॉसिबल डॉवटेल बॉक्स का पजल बॉक्स है एक, इसके ये दोनों पार्ट्स हैं, ठीक है, ये प्रिंट मैंने किया है। इस टाइप के आर्टिफैक्ट्स भी प्रिंट हो जाते हैं, छोटा सा वो मॉडल है, ठीक है, ये USB और मेमोरी कार्ड होल्डर है, ये प्रिंट किया है। गियर्स भी प्रिंट हो जाते हैं, ये डबल हेलिकल गियर है, ये गियर भी प्रिंट हो जाते हैं, ये स्पर गियर है नॉर्मल, ये भी मैंने इससे प्रिंट किया है, और ये रोबोट का एक पार्ट है, हेड की केसिंग है, ये भी मैंने इसी से प्रिंट किया है, और ये नीचे का चेसिस है एक रोबोट का, ये भी मैंने इसी से प्रिंट किया है। इस तरह के बहुत सारे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन इससे प्रिंट हो जाते हैं, जैसे कि ये फैन माउंट है इसकी, इसी का पार्ट है, और ये इसको फ्रेम को होल्ड करने के लिए है, ये पार्ट है यहाँ पे लगता है। तो अगर आप सीखना चाहते हैं 3D प्रिंटिंग तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 3D प्रिंटिंग कोई भी सीख सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स के लिए, कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से हो वो सीख सकता है, क्योंकि मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से टेक्नोलॉजी को, पूरा एक एक चीज़ करके दिखाऊँगा, ठीक है, तो ओके।